الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم من الله نور صدق الله العلي العظيم عزیزی سامعین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا خوشبو گلاب ہے پسینہ رسول کا خوشبو گلاب ہے پسینہ رسول کا آپ سب کو مبارک ہو مہینہ رسول کا करीम आका अलैहिस्सलाम की आमद का प्यारा महीना मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का प्यारा महीना रबीउल नूर शरीफ ये वो प्यारा महीना कि जिस महीने में वह दुआ के सुनने उखड़े वाला वह लेल के प्यारे जख्मों वाला वह नजब के प्यारे दांतों वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिलदार इस दुनिया में तशरीफ लाया। मेरी प्यारी माँ बहनों वक़्त की मुनासिबत से सिर्फ दो अहादीस मुबारक बताऊंगी कि करीम आका अलैहिस्सलाम कब से हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी है और आका अलैहिस्सलाम की उम्मत की उम्मत मुहम्मदिया यानी हम गुनाहगारों की अल्लाह ताला ने शान क्या बनाई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक को अगर पूछना हो तो रब्बे आला से पूछिए। कसम खुदा कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब सोने हमने आपको सब जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। जरा गौर कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रबूबियत के लिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि रब वो तमाम तरीके अल्लाह के लिए है जो सब जहानों का रब है। नहीं अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत के लिए भी आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल किया और अपने महबूब की रिसालत के लिए आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत मुबारक में इंसान को समझा रहा है कि इंसान जब से मैं रब हूँ तब से मेरा मुस्तफा रसूल है। यानी वही बात कि एक खुदा था दूसरा मुस्तफा था। खुदा ने जब चाहा इस कायनात को बनाए तो सरकार के रूप का सक्का कसम खुदा दो जगदी खेड़ रचाई है सोने मदनी रिवाज थे। दो जगदी खेड़ रचाई है सोने मदनी रिवाज थे। हर शहर ने बनाई है सोने मदनी रिवाज थे। हदीसे मुबारक में आता है जबरील अमीन फरिश्तों के सरदार एक दिन करीम आका ने सलात सलाम की आला बारगाह में हाजिर हुए गर्दन झुका कर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला आपको सलाम कहता है। उम्मतियों फखर करो अपने मुकद्दरों पर कि अल्लाह ताला ने तुम्हें वो नबी अता फरमाया जो फर्श पर बैठा है तो अर्श वाले का सलाम आ रहा है। हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि अल्लाह ताला आपको सलाम कहता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है।
जिब्रील अमीन ने हाथ जोड़ कर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अंदाजा ही नहीं जब रब्बे ताला ने ये कहा था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी हलीफा, कि मैं इंसान बनाना चाहता हूँ, मैं तो उस वक्त भी मौजूद थी। आदम अलैहि सलाम का जब मौजूद न था मैं तो तब भी था। नूह अलैहि सलाम की कश्ती जब तूफान नूह में गोते ले रही थी मैं तो तब भी था। इब्राहिम अलैहि सलाम को जब आग में फेंका गया आका मैं तो तब भी था। मूसा अलैहि सलाम जब नील दरिया नील को पार कर रहे थे आका मैं तो तब भी था। मेरे करीमा का अलैहि सलातो सलाम मुस्कुरा कर फरमाते हैं, ए जिब्रील बीबी तेरी उम्र का कोई अंदाजा तो होगा। जिब्रील अमीन हाथ बांध कर अर्ज करते हैं, आका अल्लाह रब्बुल इज्जत की पर्दा हिजाब में एक सितारा निकलता है 70,000 साल बाद निकलता है। मैंने उस सितारे को अपनी जिंदगी में 72,000 मरतबा देखा, 72,000 मरतबा देखा है, बस मेरी जिंदगी का अंदाजा यही है। अगर आप गौर कीजिएगा कि 70,000 72,000 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब लाखों करोड़ों में आएगा। जब जिब्रील अमीन ने अपनी उम्र की इंतहा बताई मेरे आका मुस्कुरा कर फरमाते हैं, जिब्रील मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं उम्र में